वजीफ़े के साथ हाज़र हैं आज का वजीफ़ा बहुत ही अहम है माह राजब चल रहा है रजब के पहले दस दिन बहुत अहमियत के हामिल हैं ये इन दिनों का वजीफ़ा है इन दिनों में अगर ये वजीफ़ा कर लिया जाए तो इन आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे अगर आप की औलाद नाफ़रमान है तो ये वजीफ़ा कर लीजिए आपकी औलाद इन शरमादार हो जाएगी अगर बीवी है और उसका शोहर मोहब्बत नहीं करता बाहम लड़ाई झगड़े हैं तो ये वजीफ़ा कर लीजिए ये वजीफा इन मोहब्बत पैदा करेगा झगड़ों को ख़त्म कर देगा अगर कोई मरीज़ है तो मर्ज़ इन इस वजीफ़े की बरकत से ख़त्म हो जाएगी इसी तरह कारोबार के अंदर तंगी है कारोबार के कारोबार नहीं चल रहा कारोबार के अंदर मसाइल हैं तो ये वजीफ़ा कर लीजिए आपका कारोबार बेहतर हो जाएगा अगर आपका रोज़गार सही नहीं है तो ये वजीफ़ा कर लीजिए आपका रोज़गार इन बेहतर हो जाएगा अगर आपकी दुकान नहीं चल रही तो ये वजीफ़ा कर लीजिए इनशा आपकी दुकान भी चल जाएगी अगर खेती बाड़ी में तंगी है खेती बाड़ी में व चाहते हो तो ये वजीफ़ा कर लीजिए इन आपकी खेती बाड़ी बेहतर हो जाएगी अगर आपके जानवर दूध सही नहीं दे रहे तो ये वजीफा कर लीजिए इन दूध देने लग जाएंगे तो बहुत ही अहम वजीफा है हर चीज़ का वजीफ़ा है हर अमल का वजीफा है तो एक आसान सा वजीफा है इन दस दिनों तक रजब की दस तारीख से पहले पहले ये वजीफा करना है और बहुत आसान सा वजीफा है तो अब आते हैं हम वजीफ़े की तरफ के वजीफ़ा क्या है तो आइए देखते हैं वजीफ़ा क्या है तो वजीफ़ा यूँ है कि आप सबसे पहले अच्छी तरह से वज़ू कीजिए वज़ू करके एक ऐसी जगह पर जा नमाज पर बैठ जाएं जहाँ आमदोरफ़त ना हो जहाँ शोर शराबा ना हो जहाँ किसी की बातचीत आपके कानों में न पढ़े ताकि आपकी तवज़ु उस तरफ ना हो तो ऐसी जगह पर आकर आप बैठ गए हैं तो बैठने से पहले दो नफल पढ़ें दो रकात नमाज नफल पढ़ें और इंतहाई तोज़ो के साथ इंतहाई आजजी के साथ पढ़ें उसके बाद आपने बैठ कर ग्यारह मरतबा दरूद शरीफ दरूद इब्राहिमी को पढ़ना है और अमल करते हुए अपने सामने एक गिलास रख लीजिए अब दरुद शरीफ पढ़ने के बाद आपने या सलामूँ ये एक सौ इक्कीस मरतबा पढ़ना है और इंतहाई तवज्जो के साथ करना है और जिस मकसद के लिए कर रहे हैं उस मकसद को बार बार अपने जहन में सामने लाइएगा अब आपने एक सौ इक्कीस मरतबा इंतहाई तोज्जो और दिलचस्पी के साथ ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में या सलाम या सलाम या सलाम करके एक सौ इक्कीस पूरा किया तो ऐसे नहीं तो के साथ इंतहाई अर्जी के साथ कीजिए और एक सौ इक्कीस मरतबा करने के बाद आपने फिर ग्यारह मरतबा दरूद इब्राहिमी को पढ़ लेना है और अब आपने गलास पानी जो रखा हुआ है उस पर दम कर लें और अगर आपके पास औलाद है नाफरमान औलाद आपकी करीब है तो उन पर भी दम कर लीजिए और पानी पर दम करने के बाद अब जिस मक़सद के लिए है उस मकसद के लिए उस उनको पिला लीजिए जैसे शोहर अगर नाफरमान है तो पिला लीजिए बीवी नाफरमान है तो उसे पिला लीजिए अगर कोई और मकसद है कारोबार का मकसद है तो आप अपने कारोबार की जगह पर चारों कोनों में इस पानी को छड़क लीजिए तो अब इन आपके कारोबार के अंदर वसत होगी आपके मसाइल हल हो जाएंगे तो इस अमल की इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ अपना नाम कमेंट में लिखें और